हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यम्मी डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बना करके कभी भी खा सकते हैं, चाहे वो इवनिंग के टाइम हो या फिर मॉर्निंग में हो। ये है साबूदाने की तहरी या खिचड़ी, आप जो भी इसे बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। आप इसे तब भी बना सकते हैं जब आप फास्ट रखते हैं, मतलब कि जब आपका उपवास है, व्रत है, तब भी आप इस डिश को बना करके खा सकते हैं। बस कुछ चेंजेस आपको करने होंगे, वो आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ साबूदाने को 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। अब ये अच्छे से फूल चुके हैं, बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमें चाहिए कुछ मूंगफली के दाने, जीरा, नमक, मिर्च और धनिया, और कुछ उबले हुए आलू कटे हुए। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आप फास्ट हैं, आपका व्रत है, तो आप यहाँ देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए, तो हमें इसमें पहले मूंगफली को अच्छे से फ्राई करके तल के निकाल लेना है। उसके बाद हम तेल में डालेंगे जीरा और आलू। जब आलू फ्राई हो जाएगा, उसमें हम डालेंगे नमक और मिर्च। अगर आपका फास्ट है, तो आप इसमें फास्ट में जो सेंधा नमक यूज़ करते हैं व्रत में, वो नमक यूज़ करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें वो जो भीगे हुए साबूदाने थे, वो उठा करके पूरा अच्छे से पलट के मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर अच्छे से इसको चला के मिक्स कर देंगे, और थोड़ी देर हम इसको 5 से 6 मिनट ढक करके सिम गैस पे रख देंगे। आप चाहें तो आप छोटे वाले साबूदाने का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय बड़ा साबूदाना था, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। और अब हम इसमें धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा था, वो डाल देंगे, और फिर जो मूंगफली दाने हमने फ्राई किए थे, वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब तैयार है हमारा यम्मी डिलीशियस साबूदाने की खिचड़ी या तहरी, आप जो भी इसको बोल सकते हैं वो कह सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी है, देखने में भी बहुत ही डिलीशियस है। इसके ऊपर से आप थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का रस डाल लीजिए और इसको गर्मा गर्म सर्व करिए, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो इसको कच्चे आम की चटनी के साथ गर्मा गर्म खा रही हूँ। तो चलिए, आप भी अपने घर में इसको बनाइए और ट्राई करिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो ये वीडियो यहीं फिनिश होता है, मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।